पूर्वोत्तर भारत के रंग। खूबसूरती बनकर प्रकृति बरसी है जहां, वहां बसती है पूर्वोत्तर की सौंदर्य भरी दुनिया। पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यटन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार यदि यहां की यात्रा पर निकला जाए तो पूरे पूर्वोत्तर की सैर एक साथ की जा सकती है। प्रकृति का अनछुआ सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति व सभ्यता की धरोहरें अगर आप मूल रूप में देखना चाहते हैं तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सैर पर निकलें। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा और सिक्किम, कुल 8 राज्यों वाला यह क्षेत्र तरह तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अलावा लोक संस्कृति तथा कलाओं से भरपूर है। 100 से अधिक जनजातियां व उपजातियां इस क्षेत्र में हैं। प्राकृतिक संपदा से भरपूर असम। पूर्वोत्तर राज्यों का रास्ता असम से होकर गुजरता है। पूर्वोत्तर की संस्कृतियों के संगम के अलावा असम चाय बागानों, फल फूल, वनस्पतियों, दुर्लभ नस्ल के गैंडों और यहाँ मनाए जाने वाले पर्वों, विशेष रूप से बिहू के लिए भी जाना जाता है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण एशियाई हाथी और एक सींग वाला गैंडा है। काजीरंगा को बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है। इस पार्क में हर तरफ घने पेड़ों के अलावा एक खास किस्म की घास है जो हाथी घास कहलाती है। यहाँ हर साल फरवरी माह में हाथी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का सालाना अंबुवाची त्योहार विश्व विख्यात है। नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर असम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। सूर्योदय का प्रदेश अरुणाचल। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश की यात्रा आसानी से की जा सकती है। असम के आगे का रास्ता अरुणाचल की राजधानी ईटानगर को जाता है। यह भारत का वह प्रदेश है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। इस प्रांत की 60% भूमि जंगल है। ईटानगर में स्थित 14वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक किला है जिसे ईटा फोर्ट भी कहा जाता है। यह किला 80 लाख ईंटों से बना है। इसके अलावा राज्य में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है तवांग, जहां वर्ष के अधिकतम समय बहुत ठंड होती है। अनूठी संस्कृति का धनी नागालैंड। प्राकृतिक सौंदर्य एवं अनूठी संस्कृति के धनी इस प्रदेश को राफ्टिंग के लिए बेहतरीन स्थान माना जाता है। स्थानीय कला और शिल्प में दक्ष एक अलग प्रकार की वेशभूषा वाले सुंदर नागा जनजाति के लोगों से मिलना अपने आप में किसी विचित्र अनुभव से कम नहीं। राज्य की राजधानी कोहिमा होने के बावजूद दीमापुर को नागालैंड का मुख्य शहर माना जाता है। दिमासा नदी के किनारे बसे होने के कारण इस शहर का नाम दीमापुर पड़ा। हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसे राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोहिमा के दक्षिण में 15 किलोमीटर की दूरी पर जापफू पीक नामक पहाड़ है। सूर्योदय का दृश्य यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। यहाँ एक खूबसूरत डजुकोउ घाटी भी है। यह घाटी फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते जैसी है। इस घाटी की पहाड़ियाँ सदाबहार जंगलों से पटी हुई है। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। त्रिपुरा का उज्जयंता पैलेस। असम व त्रिपुरा के लोगों की जीवन शैली में कई समानताएं हैं। 1901 में महाराजा राधा किशोर माणिक्य का बनवाया शाही उज्जयंता पैलेस यहां का मुख्य आकर्षण है। जामपुई हिल को यहां हमेशा रहने वाले वसंत का स्थान कहा जाता है। चारों ओर सुंदर प्राकृतिक दृश्य, सुहानी जलवायु, बाग, सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य यहाँ के आकर्षण है। राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रसागर झील के किनारे नीर महल नामक किला मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक खूबसूरत नमूना है। सर्दी के मौसम में झील के आसपास पक्षियों का जमघट लगा रहता है। गुवाहाटी से रेल मार्ग द्वारा भी
यहाँ के स्थानीय स्टेशन कुमार घाट पहुँचा जा सकता है। वीजा लेकर यहाँ से बांग्लादेश भी जाया जा सकता है। मिजोरम की सुहानी जलवायु। अपनी सुहानी जलवायु के लिए प्रसिद्ध मिजोरम का प्राकृतिक सौंदर्य, नृत्य, त्योहार, जंगल, वन्य प्राणी व हस्तशिल्प कलाएं सबको बहुत भाती है। राजधानी आइजोल 115 साल से भी अधिक पुराना शहर है। यहाँ स्थित म्यूजियम स्थानीय संस्कृति और इतिहास को संजोए हुए है। इस छोटे से शांत शहर से 204 किलोमीटर की दूरी पर चम्फाई से म्यांमार तक का नजारा बखूबी देखा जा सकता है। यहाँ के पहाड़ों में वनौषधि मसालों से लेकर विभिन्न किस्म के ऑर्किड भी मिल जाते हैं। मिजोरम के उत्तर पश्चिम में मिजो हिल्स के पास डंपा अभयारण्य है। यहाँ बाघ, चीता, हिरण और हाथी पाए जाते हैं। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थलों में न्यू मार्केट, बर्मा लेन, सोलोमन केव, रिड्स मार्केट, थाक थिंक बाजार आदि हैं। मिजोरम का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। भारत का सीमा क्षेत्र होने के कारण मिजोरम के बहुत सारे इलाकों में विदेशी पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए विशेष तौर पर अनुमति लेनी पड़ती है। मेघों का घर मेघालय। मेघालय का अर्थ है मेघों का घर। बादलों और वर्षा के कारण यहाँ की जलवायु में नमी रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी यही है। बेंत, बांस, हथकरघा तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं, फल उत्पाद आदि चीजों से यहाँ के बाजार भरे होते हैं। मेघालय में एक विशेष बात यह है कि सूचना तकनीकी में यह राज्य तेजी से विकास कर रहा है। पोलो सिखाने वाला मणिपुर। दुनिया को पोलो खेल सिखाने वाला सुंदर राज्य मणिपुर सन 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधीन आ गया, जिन्होंने मणिपुरियों से पोलो सीखी। मणिपुरी लोग वर्ष भर कोई ना कोई त्योहार मनाते रहते हैं। निंगोल, ईद, रमजान, चाकाउबा, कुकी चिन मिजो, क्रिसमस तथा अन्य कई यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। गीत नृत्य इनकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। राज्य की 67% भूमि पर जंगल है। कई दुर्लभ जड़ी बूटियां एवं वन्य प्राणी यहाँ की विशेषता है, जैसे क्लाउडेड तेंदुआ तथा नाचने वाला हिरण। फूलों का प्रदेश सिक्किम। सिक्किम को रहस्यमय सौंदर्य की भूमि व फूलों का प्रदेश जैसी उपमाएं दी जाती हैं। नदियां, झीलें, बौद्ध मठ और स्तूप बाहें फैलाए पर्यटकों को आमंत्रित करते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा राज्य की सुंदरता में चार चांद लगाती है। सिक्किम को चार भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी सिक्किम में 2000 वर्ष पुरानी इंचे मोनास्ट्री है। व्हाइट मेमोरियल हॉल में फूलों के त्योहार मनाए जाते हैं व जड़ी बूटियों के पौधे भी देखने को मिलते हैं। अपनी पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की यादों को संजोए रखने के लिए आप वहां से कई अनूठी चीजें ले सकते हैं। हस्तशिल्प व हथकरघे पर बनी चीजें तो यहां प्राय सभी राज्यों में मिलती हैं। इसके अलावा हर राज्य की कुछ खास चीजें भी हैं, जैसे असम में मूंगा व पाट रेशम पर्यटकों को विशेष रूप से लुभाता है। नागालैंड की स्थानीय महिलाएं कातने, बुनने और कपड़ा रंगने में दक्ष हैं। अन्य वस्त्रों के अलावा यहाँ तीन टुकड़ों में बनने वाली शॉल खासी लोकप्रिय है। अरुणाचल में बेंत तथा बांस से बनी चूड़ियां, मणिपुर में हथकरघे पर बनी शॉलें, चादरें व कंबल तथा दूर दूर तक फैला गुड़ियों का बाजार पर्यटकों को विशेष रूप से लुभाता है। मिजोरम में पत्तों और बांस से बने वाटरप्रूफ हैट मिलते हैं। त्रिपुरा में भी रेशम, बेंत और बांस से बनी चीजें बहुतायत में बिकती हैं। सिक्किम में हाथ से बने गलीचे, कलाकृतियां, लेपचा शैली की शॉलें और टेबल अधिक खरीदे जाते हैं। मेघालय में हाथ से बनी शॉलें, टोकरियां, बेंत की चीजें, शहद
काली मिर्च, हल्दी, अनानास, संतरे, स्थानीय फल तथा अन्य फल उत्पाद मुख्य रूप से बिकते हैं। वैसे तो पूर्वोत्तर भारत के हर प्रांत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आपको सभी तरह के भारतीय व्यंजन आसानी से मिल जाएंगे, पर इनके अपने खास व्यंजन भी हैं। अगर आप जनजातीय क्षेत्रों के व्यंजन आजमाने के शौकीन हैं, तो इनका मजा भी ले सकते हैं। यहाँ सभी जनजातियों के भोजन बनाने के तौर तरीके अलग अलग हैं। त्रिपुरा और अरुणाचल में सब्जियों को उबालकर केवल तेल व नमक डाल देते हैं, वहीं सिक्किम और तिब्बत के खान पान में काफी समानता है। चिकन मोमो, पोर्क मोमो, शाकाहारी व पनीर मोमो, थुक्पा, टी मोमो तथा शामले प्रमुख व्यंजन है। छंग सिक्किम वासियों का प्रिय पेय पदार्थ है।